और अब पेंड्रा से आपको एक खबर दिखाते हैं। यहाँ पर शिक्षक ने नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म किया है। पीड़ित छात्रा के गर्भवती होने पर खुलासा हुआ। आरोपी कई सालों से पीड़ित छात्रा का शोषण कर रहा था। परिजन ने शिक्षक के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। आरोपी शिक्षक फरार है। गोरेला पुलिस तलाश में फिलहाल जुट गई है। तो पीड़ित छात्रा के गर्भवती होने पर जब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ तो परिवार वालों ने, परिजनों ने पुलिस में इसकी शिकायत की, जिसके बाद शिकायत तो दर्ज कर ली गई, लेकिन शिक्षक यानी कि जो आरोपी है वो अब भी फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश लगातार की जा रही है। देखिए, दिल दहला देने वाली खबर है, क्योंकि जिन पर शिक्षा देने का दायित्व होता है, जिन पर संस्कार देने का दायित्व होता है, वही इस तरीके की वारदातों को यहाँ पर अंजाम दे रहे हैं। और बता दें आपको, सिर्फ एक बार नहीं बल्कि कई सालों से ये शिक्षक इस छात्रा के साथ इस वारदात को अंजाम दे रहा था, जिसके बाद जब छात्रा गर्भवती हुई तो परिजनों को इसकी जानकारी लगी और उन्होंने इस पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शरद अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, एक बड़ा मामला है ये, रिपोर्ट दर्ज कराई जा चुकी है, अब तक क्या कार्रवाई इस पर की गई है? जी बिल्कुल, ये शिक्षक और छात्रा के पवित्र रिश्ते को संसार करने वाला एक मामला गौरेला का है, जहाँ पर एक आरोपी शिक्षक महेंद्र सोनी पर ये आरोप लगा हुआ है। वो 12 साल की बच्ची से जब वो छात्रा रहती है तब से उसके साथ गंदा काम करना शुरू करता है, क्योंकि अब बच्ची बालिग हो चुकी है और उसके गर्भवती होने पर ये पूरा खुलासा हुआ है कि शिक्षक और छात्रा के पवित्र रिश्ते को उसने किस तरह से 12 साल से लगातार दहेज शोषण के रूप में तब्दील कर पड़ा, और गर्भवती होने के बाद ये मामला कायम हुआ है। आरोपी शिक्षक फरार हो गया है, इसकी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। जी शरद, लेकिन एक बात यहाँ पर ये भी सामने है कि कई सालों से वह इस वारदात को अंजाम दे रहे थे, क्या छात्रा ने कभी, पीड़ित छात्रा ने कभी घर वालों को बताने की कोशिश नहीं की? कभी आसपास के जो बच्चे थे, जो स्कूल में और भी शिक्षक थे, उन्हें बताने की कोशिश किसी प्रकार की नहीं की, क्योंकि जानकारी थी उन्हें इस बात की? क्योंकि छात्रा मासूम थी और उसने शिक्षक ने अपने पद और उसके शिक्षक रूप से उसको काफी दबाव बनाने की कोशिश की और उसको डराता रहा, धमकाता रहा। शुरू में छात्रा ने बताने की कोशिश की, पर बाद में छात्रा उसके शिक्षक के लगातार उसका शिकार हुई और वो अपने परिजनों को नहीं बता पाई। अब जाकर पूरे मामले का खुलासा जब हुआ है तो परिजनों ने गौरेला थाने में आकर इसका रिपोर्ट दर्ज कराई है। शरद, आरोपी शिक्षक फरार है, तलाशी कब तक उसकी पूरी होती है देखने वाली बात होगी, अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।